ਕਿਆ ਮੈਂ ਰੜਾ ਕੀ ਸੂੜ ਵਗਾਵੇ ਪੰਜ ਫਲੋ ਪਰ ਛੋੜ ਸਭ ਰੋਇਓ ਗਾਵੇ ਪੰਜ ਫਲੋ ਕੋਪੀ ਕੈਟ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਵਾਟ ਥੀ जब बिना कंट्रोवर्सी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बढ़िया पकड़ बनाने वाले कलाकार का जिक्र आवे है तो उनमें एक नाम बिल्ला सोनीपताले का जरूर आवे है। और बिल्ला सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहने की कोशिश भी करया करे। परिब के ने एक दूसरे कलाकार ने अपने गाने में बिल्ला सोनीपताले पे शॉट्स लिए है और बिल्ले ने भी काफ़ी समझदारी के साथ उनका रिप्लाई भी करया है और स्टोरी और पोस्ट के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों की बात आज की इस वीडियो में करांगे। तो बात है 19 दिसंबर की, जब एक गाना रिलीज हुआ था वर्ल्ड वार नाम तय, जिसकी यह लाइन काफी बढ़िया चली। तेरी लैम्बो भर की बॉडी और जाट रूपी कौन है। यो गाना गाया था साज तोमर ने और चात ने और म्यूजिक था विजय पोल का। इस गाने पे 30 मिलियन के लगभग व्यूज है और इंस्टाग्राम रील्स पे भी खूब चल रहा था। बाकी अगर थम भी कलाकार हो और अपने गाने ने इंस्टाग्राम रील्स पे चलवाना चाहो हो तो तिनका रील्स तक कॉन्टेक्ट कर सको हो, जो कि एक रील प्रमोशन कंपनी है और कई गाने इनने चलवाए भी है। यो इनका नंबर है, बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। इबिस्य सिंगर ने यानी कि साज तोमर ने अपनी एक ईपी रिलीज करी है जिसका नाम है मनमोजी। और इस ईपी में टोटल 4 गाने दिखे हैं, ऐश करे, मनमोजी, सुंदर नारी और एरिया। वर्ल्ड वार गाने ने देखे तो ये गाने मैंने एवरेज से लागे, पर इन में जो एस कर गाना है अगर उसने 1:58 पर चला के चेक करा तो एक लाइन सुनने मिल रहा है। बिल्ला सोनीपताले का, प्रिंस जम्बा का और इरशाद खान का अड़बा देउड़ गाना आया था, उसकी एक लाइन चेक करो। तो ये लाइन थोड़ी थोड़ी मेल खाती प्रतीत हो वह है। साज तोमर की ईपी आने के 2-3 दिन बाद दे बिल्ला सोनीपताले के इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्टोरी देखी गई जिसमें सिद्धू मूसेवाले का लेवल गाना ला रखा था और एक बार हम चेक भी कर सको हो, ऊपर देख सको लेवल गाना लाग रहा है। और इसके साथ में इंस्टाग्राम पे एक नॉर्मल पोस्ट भी देखी गई थी जिसमें यह अड़बादी उड गाने वाली लाइन ला रखी है और नीचे लिख रखा है कि विक्ट्री हिट्स डिफरेंट व्हेन एवरीवन इज अगेंस्ट यू। तो ये कुछ बात बिल्ला ने यो गाना आने के बाद लिखी है। बाकी इससे पहला दीप तेरा भाई ने भी बिल्ला सोनीपताले की जो टीम है जिसमें सारे कलाकार हैं उन पर शॉट्स लिए थे और खासकर आरमान पे, और उस टाइम भी कुछ स्टोरी इनकी तरफ तय देखी गई थी। तो कह सका हाँ ये भी थोड़े थोड़े टारगेट होने शुरू हो गए और कुछ कह ना सकते। और एक मानस अलग अलग डाल का है, अलग अलग मेंटलिटी का है और किसी की कोई भी बात किसी ने भी किसी भी लाग सके है। तो कलाकार बढ़ेगे और ईगो बढ़ेगी तो विचारा में वैरायटी और कंट्रोवर्सी तो बढ़ेगी। कोई भी अपने आप ने दूसरे तक कम ना समझे। हाँ कोई तो जवाब ने बोल के दे दे है और कोई चुप रह के सोच समझ के अपने काम तय दे दे वह। तो बस आज की वीडियो में इतनी बात थी, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।